हेलो दीदी। मैडम आपका पार्सल है। ओ लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इस पार्सल का कब से वेट कर रही थी। शुक्रिया। क्या हुआ रिया? दीदी आपने देखा, वो पोस्टमैन एक लड़की थी। हाँ, पर पोस्टमैन तो हमेशा लड़के ही होते हैं ना। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, खेलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। इधर आओ, ये दोनों फोटो देखो और बताओ इसमें कौन है। फर्स्ट लड़की एंड सेकंड लड़का। चलो देखते हैं दोनों कौन है। हाँ? मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि काम तो काम होता है, जिसे जो भी काम करने की इच्छा है वो उस काम को कर सकता है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की। वैसे ही जो करियर तुम चुनना चाहती हो या जो भी पढ़ना चाहती हो वो तुम हासिल कर सकती हो, और तुम्हारा लड़की होना उसके आड़े नहीं आना चाहिए। पर दीदी मुझे काफी बार ऐसा काम करना पड़ता है जो करने की मुझे इच्छा नहीं होती, और जो करने की इच्छा होती है वो करने दिया नहीं जाता क्योंकि मैं लड़की हूँ। मुझे कहते हैं लड़के और लड़कियाँ अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ एक समाज की सोच है। अब तुम बताओ, अगर किसी के घर लड़का पैदा हो तो तुम उसको क्या गिफ्ट दोगी, और अगर लड़की हो तो क्या दोगी? लड़के को कार और लड़की को डॉल। ये तुमसे किसने कहा कि लड़का होगा तो ये और लड़की होगी तो ये गिफ्ट? किसी ने नहीं कहा, सबको ऐसा करते और सुनते हुए देखा है। एग्जैक्टली, ये तुम खुद देख देख के बड़ी हुई हो, इसलिए तुम भी वही करती हो जो सब करते हैं। वैसे ही समाज में पहले से कुछ चीजें चलती आ रही हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि अभी भी वैसे ही चलते रहे। समय बदल रहा है, जिसको जो चाहिए वो कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सच तो ये है कि लड़कियां और लड़के दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, और ये उनके सेक्स या जेंडर पर निर्भर नहीं होता है। अच्छा, पर दीदी सेक्स और जेंडर तो एक ही होता है ना? नहीं रिया, लड़कियों को शर्मीला, डरपोक, घर का काम करना और अपनी आवाज नहीं उठाना, लंबे बाल रखना, वैसे ही लड़कों को कमाने, मजबूत रहने, रोना नहीं और शारीरिक काम करने कहा जाता है। ये सामाजिक तौर से बनाया हुआ है, इसे जेंडर कहते हैं। सेक्स तो लड़का और लड़की में जो प्राकृतिक फर्क है, जैसे लड़कियों को स्तन होते हैं और लड़कों को नहीं, इसे सेक्स कहते हैं। ओह, हर एक लड़का और लड़की अपने लिए फैसला ले सकते हैं, जैसे कि उनको क्या काम करना है, कैसे रहना है या उनको क्या पसंद है। ये फोटो में देखो, संजीव कपूर खाना बना रहा है, और एक लड़की जैसे अपने दंगल पिक्चर में देखा होगा, वो देश का नाम रोशन कर रही है। सच तो ये है कि लड़कियां और लड़कों दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, और ये उनके सेक्स या जेंडर पर निर्भर नहीं होता है। तो अब क्या तुम मानती हो कि लड़का और लड़की दोनों जीवन में एक जैसा काम कर सकते हैं? हाँ, तो दीदी इसका मतलब है कि मैं पुलिस ऑफिसर बन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। याद रखना, लड़की का शरीर होना किसी को घर का काम करना या दूसरों की देखभाल करना नहीं सिखाता है, और वैसे ही लड़के का शरीर होना ये नहीं बताता कि वो निडर, बुद्धिमान और मजबूत होंगे। दुनिया एक खुला आसमान है, और आपकी पसंद आपके पंख हैं। उन पंखों का उपयोग ऊंची उड़ान भरने और इस दुनिया में अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए करो। थैंक यू दीदी, आपने तो आज मुझे बहुत कुछ सिखाया। अभी मैं कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटूंगी।